हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार हैं। ये बात सही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है। एक तो यहाँ पर जो है विकास जो सही मायने में जो होना चाहिए नगरीय क्षेत्र के हिसाब से वो यहाँ पर नहीं हो पाया। इस तरह की अनेक अनेक परेशानियां हैं जो चल रही हैं, इसको हम मुख्य मुद्दा बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजला फातिमा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक जसपुर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी, जिनसे हम निकाय चुनाव को लेकर कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, सुरागीला न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बात करें निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो जसपुर क्षेत्र है यहाँ पर भाजपा के आगे जो है कड़ी टक्कर रहती है निकाय चुनाव में, तो ऐसे में इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार हैं। ये बात सही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई चुनाव नहीं जीत पाई है निकाय चुनाव, और परिस्थितियाँ यहाँ की कुछ अनुकूल नहीं रहती तो सामरिक दृष्टि से, और यहाँ जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मुस्लिमों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत कम रहता है, उसके कारण थोड़ी परेशानी आती है। फिर भी इस बार हम कुछ नीतियाँ बना रहे हैं और देखिए सफलता मिलती है नहीं मिलती है तो आने वाला समय बताएगा, पर हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर बात करें क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव में जसपुर में उतरी? देखिए एक तो यहाँ पर जो है विकास जो सही मायने में जो होना चाहिए नगरीय क्षेत्र के हिसाब से वो यहाँ पर नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पर कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, कहीं पार्किंग नहीं है, शहर के अंदर टॉयलेट्स की स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं को परेशानी होती है, तो इस तरह की अनेक अनेक परेशानियां हैं जो चल रही हैं, उसको हम मुख्य मुद्दा बनाएंगे। सर वहीं बात करें कि इस बार जैसे कि आपने कहा कि कुछ नीतियां बनाई जा रही हैं, तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी पर क्यों विश्वास करेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई एक छोटा मोटा दल नहीं है, माननीय मोदी जी इसके शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे दामी जी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा ये अपने आप में परिवार है और इस पर समय समय पर जनता ने विश्वास जताया है, और विश्वास इसलिए जताया है क्योंकि भारत के स्वाभिमान के लिए पार्टी बनी हुई है, ये भारत के विकास के लिए बनी है, तो जाहिर है कि लोगों का विश्वास इस पार्टी के प्रति है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहते हुए कि लोगों का जो विश्वास है उसका हमें फायदा मिलेगा। सर वहीं बात करें कि विपक्ष मजबूत है, इसमें विपक्ष को आप कहां देखते हैं इस निकाय चुनाव को लेकर? अब विपक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ कभी अध्यक्ष नगर पालिका का बन नहीं पाया, तो अब विपक्ष को किसको कहें विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस का भी नहीं बन पाया, पिछले समय बहुजन समाज पार्टी के बनते रहे हैं लगातार दो तीन बार, अब बहुजन समाज पार्टी जब हम विधानसभा स्तर पर देखते हैं तो वो बहुत ही पीछे रह जाती है, उसका कहीं बहुत जमानत भी नहीं बचती, तो ये कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसे हम पक्ष कहें विपक्ष कहें समझ में नहीं आता, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी नहीं जीत पाती, मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जीत पाती, अब वो ऐसी पार्टियां जीत जाती हैं जो विधानसभा में लोकसभा में जिनकी जमानतें जब्त हो जाती है, तो अपने आप में बड़ा पेचीदा मामला है। सर वहीं बात करें जो जनता आपको देख रही है अंत में उनसे क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो मैं यही कहूंगा कि जहां देखें पहले अध्यक्ष बने हैं किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ रहा, किस तरह की परेशानी रही, और जो विकास के जो सही मायने में विकास होना चाहिए था विकास जसपुर का नहीं हुआ, तो उसके लिए बदलाव होगा तो फायदा मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल जी, जिनसे हमने बात करी निकाय चुनाव को लेकर। ऐसी किसी अन्य चर्चा को लेकर फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूं।